इसके अलावा हम करेंगे अब हमारे जो सेकंड लेवल है उसके अंदर हमने थ्री सिंबल्स के बारे में हम सीखते हैं। एक फर्स्ट सिंबल है हमारा चौकोरे, सेकंड सिंबल है हमारा हॉर्न है जैसुनन, और हमारा वो सॉरी फर्स्ट सिंबल है हमारा चौकोरे, सेकंड है सहेकी, और थर्ड सिंबल है हमारा हॉर्न है जैसुनन। मैंने ये एक्चुअली मैं आपको ना ग्रुप में डाल देती हूँ ये सिंबल्स, मैंने इसका पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है किस तरीके से हम इस सिंबल को यूज करते हैं। दिस इज चौकोर सेवन एंड मैं ये भी आपको उसमें डाल रही हूँ वीडियो के अंदर, उसको मैंने यूट्यूब उस पे टेलीग्राम पे डाल दिया है, ठीक है? इसको आप बाद में देखना, अभी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है? देखिए पहले हमने बनाया सेवन और इसको हमें थ्री टाइम हाफ मतलब ऐसे दो पूरे और एक आधा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इसको ज्यादा भी बना सकते हैं लेकिन कम से कम इतना होना ही चाहिए। ये वाला सही है, ठीक है? पूरा मैंने उसमें आपका ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, अगर कोई मोबाइल से चेक करना चाहे तो कर सकता है। सेवन वन टू एंड दिस इज हाफ, दिस इज चौकोरे। दिस इज अ पावर सिंबल, अभी बस आप ये समझ लीजिए कि ये पावर सिंबल है। किसी भी तरह का हमें कोई हीलिंग करते हैं तो हम सबसे पहले चौकोरा ही उसमें यूज करते हैं। एंड दिस इज सहे की शिव और शक्ति, सहे की ये हमारा सहे की है, पहले एक ट्रायंगल फिर एक ट्रायंगल, ये हमारी लाइफ को बैलेंस, हम जब भी हीलिंग करते हैं तब हम बैलेंस करने के लिए सहे की सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हमारे गुरु जी ने हमें सिखाया है, नॉर्मली जब आप सिंबल देखेंगे ना तो वो इस तरीके का होगा। जब भी अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे जो हिस्ट्री ऑफ सिंबल वो ये है, लेकिन हमने उसको इजी वे करके इस तरीके से शिव और शक्ति कर दिया। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, पहले आपने इस तरीके से ऐसे बनाना है और यहाँ पे आपने टू वी ये है हमारे सहेगी, दिस इज अ बैलेंस सिंबल, हमारी लाइफ को बैलेंस, जब भी हम हीलिंग करते हैं तो हम सहेगी सिंबल का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। दिस इज अ चौकड़े सिंबल, सबसे पहले हम चौकड़े सिंबल लगा डालते हैं उसके बाद हम सहेगी सिंबल डालते हैं। चौकड़े सिंबल इज अ फर्स्ट सिंबल, सहेगी इज अ सेकंड सिंबल।
This is the first symbol. And this is the second symbol. This is the first symbol and this is the second symbol. इसको हमने इजी वे से ऐसे बना लिया है, ठीक है? चौकरे हमारा व्हाइट कलर से होता है, इसका कलर व्हाइट होता है, और सहेकी यानी पिंक कलर, सहेकी हमारा पिंक कलर से होता है। ये आपको समझ में आया ना? आया ये समझ में सबको? यस यस मैम। ठीक है, अब हमारा आता है हॉर्न चाहे जैसमिन, जो कि हम यूज करते हैं डिस्टेंस। हॉर्न चाहे जैसमिन हम यूज करते हैं डिस्टेंस हीलिंग के लिए। सिंबल नंबर थ्री देखिए, सबसे पहले एक वन बनाया, देन ये प्लस का साइन, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये कट। इतना आया समझ में? देन कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप उस पर बनाओगे ना, ये हमारा इस तरीके का है, यानी कि देखिए पहले हमने बनाया लाइन, ये हमारा प्लस का सिंबल, फिर यहाँ से हमने एक ऐसे ट्रायंगल टाइप्स बनाया, एंड अगेन यहाँ पे छोटा सा लगाया, उसके बाद इस तरीके से हमने बनाया, उसके बाद फिर से एक वन बनाया, दिस एंड दिस सेवन, और ये हमने इसको मतलब तीन शिफ्टों में, पहले इतना फिर इतना, तीन शिफ्टों में करके बनाओगे तो आपके लिए ये इजी हो जाए। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, आपको मैंने ट्यूटोरियल भेजा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना चार पांच बार तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन इसका भी हमने एक इजी वे बनाया है, वो बहुत ही सिंपल है। यहां से बनाया एक हमने सेवन, और एक बनाया हमने ऐसे करके एल। ओके, और यहां से एक पॉइंट लिया और ये हमने बनाया ऐसे करके सन। आया ये समझ में? ये छोटा सा सेवन एल This is the symbol number three, horn, chai, jessonen, और ये सिंबल हम यूज करते हैं जब हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। हाँ जी,
हाँ जी, ये सिंबल हम ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ना? हाँ ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन आपको कहीं भी गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको यही मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारे जो टीचर हैं जिनसे हमने सीखा है उन्होंने ये खुद का बनाया हुआ उनका सिंबल है, और हम इसी सिंबल को यूज करते हैं और हम इसी के रिजल्ट्स आते हैं। ये सिंबल तो हम बहुत जब हमने नया नया सीखा था तब यूज किया, अब तो हम यही यूज करते हैं। ठीक है, ऑन चार्जर। अब हम पहले अट्यूनमेंट का प्रोसेस, अब मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट सिंबल हमारा चौकुर है, सेकंड सिंबल हमारा सहेकी, एंड थर्ड सिंबल है हमारा हॉन्चा जैसन है। चौकुर हम हर चीज में यूज करते हैं, जैसे कहते हैं ना एक हमारा नाइफ की, जैसे जब कुछ भी हमें अपना पानी चार्ज करना है, हमको अपना खाना चार्ज करना है, हम प्रोटेक्शन के लिए भी हम चौकुर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और सहेकी को हम बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चौकोरा सहेकी हम एक साथ हमेशा हर हीलिंग में हम स्टार्ट करते हैं। हॉन्चा जसुनर हम तब यूज करते हैं जब हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी दोनों हाथों को रब करेंगे, कम से कम टू फिंगर्स, मैक्सिमम आप पूरे हाथ से चौकोरे बना सकते हैं अपने ऐसे हाथ पे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। उसके बाद फिर सहेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, देन अगेन चौकोरे चौकोरे चौकोरे, चार्ज चार्ज चार्ज। उसके बाद दोबारा हम अगेन चौकुरे चौकुरे चौकुरे, एनर्जाइज एनर्जाइज एनर्जाइज। उसी तरीके से सेम सेकंड हैंड पे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। उसको हम पहले प्योरीफाई करते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं बोला था, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई, देन अगेन सहेकी सहेकी सहेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। मैं तीन बार बोलती हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप तीन बार बोलो, आप एक बार भी बोल सकते हो, लेकिन आप तीन बार बैलेंस 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 बोलना है। देन अगेन चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज। और विजुलाइजेशन में देखना है, जब आप बोलोगे ना प्योरीफाई तो आपने देखना है कि एक व्हाइट एनर्जी आपके हाथों में आ रही है और काले रंग के धुएं के समान सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रही है। जब आपने बनाया है सहेकी सहेकी सहेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, तो अपने विजुलाइजेशन में देखना है कि आपके हाथों में पिंक कलर की लाइट आ रही है जो आपके हाथों को बैलेंस कर रही है। अगेन चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज चार्ज चार्ज, तब आपने देखना है कि एक व्हाइट कलर की लाइट आपके हाथों में आ रही है और आपके हाथों को ऊर्जावान एनर्जाइज कर रही है, आपके हाथों को चार्ज कर रही है। देन अगेन फिर से आपने चौकोरे चौकोरे चौकोरे, चार्ज चार्ज चार्ज, इस तरीके से आपने करा। सबसे पहले आपने चौकोरा बना के उसको बैलेंस किया, उसके बाद आपने सहेकी बना के उसको पहले आपने चौकोरे बना के उसको प्योरीफाई करा, फिर आपने सहेकी करके उसको बैलेंस किया, देन आपने उसमें चौकोरे दोबारा से बना के उसको चार्ज करा, और फिर से आपने उसको चौकोरे बना के उसको एनर्जाइज किया। ठीक है, उसके बाद अपने हाथों की मुट्ठी को मैंने जो बंद करा है, मुट्ठी को बंद करने का मतलब ये है कि जब भी हम कभी इस तरीके कोई भी हीलिंग करते हैं और अचानक से हमारे को अपना, जैसे मैंने करा और मुझे हाथ हटाना है, तो मैं मुट्ठी को बंद कर लूंगी ताकि जो मेरी एनर्जी जो मैंने उसमें डाली है वो इसके अंदर रहे। ठीक है, उसके बाद आप उसको
आपने रेकी एनर्जी को कॉल करना है, रेकी एनर्जी को बुलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो आपके हाथों में आए और आपके हाथों को हीलिंग के लिए तैयार करें। सबसे पहले हमने अपना ऑरा क्लीन करना है, तो आपने उनसे प्रार्थना करनी है कि वो आपके ऑरा को क्लीन करें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने फोर हेड के ऊपर एक चौकोरे बनाना है, फोर हेड के ऊपर चौकोरे बनाना है। उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों से विजुलाइजेशन में देखना है कि यूनिवर्स से एक व्हाइट एनर्जी आ रही है आपके क्राउन चक्रा में, आपके क्राउन चक्रा से होते हुए एक कहते ना, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया था, झरने के समान आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ले जा रही है। वन, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। टू, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। थ्री, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। वन, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। टू, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। थ्री, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। वन, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। टू, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। थ्री, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। वन, आपने देखना है कि सारा आपके काले धुएं के समान पूरा का पूरा आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलती जा रही है। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। टू, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। थ्री, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। ये हमारा कपिंग स्टाइल है, कपिंग, कप की तरह हमने अपने हाथों को बनाया। अब हमने कॉम्बिंग करना है। वन, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। टू, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। थ्री, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। वन, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। टू, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। थ्री, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। वन, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। टू, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। थ्री, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। वन, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। टू, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। थ्री, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध। जब आप ऑरा क्लीन करेंगे ना, धीरे धीरे आपको एनर्जी फील होने लगेंगी। आपको ऑरा क्लीन करते ही पता चल जाएगा कि सामने वाले पर्सन की कहां पर हैवी एनर्जी आ रही है, कहां पर उसको प्रॉब्लम है। आपको ऑरा क्लीन करते ही पता चल। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरा ऑन कर लें प्लीज, ठीक है, आपको मालूम चल जाएगा। बस इसमें हमने, जैसे हम फर्स्ट लेवल में करते थे ऑरा क्लीनिंग, ऐसी सेकंड लेवल में करते हैं, बस उसके अंदर हमने अपना एक सिंबल और जोड़ दिया चौकोरे, ठीक है। उसके बाद जब हम अपना वो करते हैं, हीलिंग्स करेंगे अपनी चक्रास की, देन अगेन वी रब द हैंड एंड एनर्जी को कॉल करेंगे अपने हाथों में चौकोरे सहे की, चौकोरे सहे अन चौकोरे, दोनों हाथों को बनाएंगे। चाहे तो आप अपने हर एक चक्रास के ऊपर चौकोरे, जैसे रूट चक्रा के ऊपर आपने, जैसे सपोज करो ये रूट चक्रा है, रूट चक्रा के ऊपर आपने अपना चौकोरे बनाया और फिर आप उसको बोले शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। ऐसे विजुलाइजेशन में देखें कि एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथों को घुमाते हुए देखें कि एक ब्लैक कलर की नेगेटिविटी आपके हाथों, आपके चक्रा से बाहर निकल रही है। ऐसे आप फील करें एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम्स और फिर उसके बाद सहेकी बनाए, फिर चौकरे बनाए, फिर चौकरे। या तो हर चक्रा को ऐसे करें या फिर आप पूरी बॉडी के ऊपर, क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ, मैं तो फुल बॉडी पे बनाती हूँ, ठीक है। पूरी बॉडी के ऊपर आपने एक चक्रा को बनाया, चौकरे चौकरे चौकरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, एंटी क्लॉकवाइज फुल बॉडी को हमने उसमें सारी नेगेटिविटी और विजुलाइजेशन में देखना है, सारी शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा एक काले धुएं के समान निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। 21 टाइम्स हम इस शुरुआत में काउंट करते हैं ताकि हमें आदत हो जाए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है।
किसी किसी चक्रास में आपको ज्यादा नेगेटिविटी लगेगी तो आपको मन करेगा आप वहां पे ज्यादा करो, और कोई कोई चक्रास में आपको कम लगेगी आप वहां पे कम करोगे। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ऐसे ऐसे आपकी इंट्यूशन काम करनी शुरू कर देगी। ऐसे हमने करा, शुद्ध करा, उसके बाद फिर हमने एक बड़ा सा सहेकी बनाया अपनी फुल बॉडी के ऊपर, और फिर हमने उसको बोला बैलेंस बैलेंस बैलेंस। और विजुलाइजेशन में देखना है कि एक पिंक कलर की लाइट आपकी सारी चक्रास को बैलेंस कर रही है, आपने देखना है। एंड देन अगेन बिग चौकुरा एंड विजुलाइजेशन में देखना है कि आपकी फुल बॉडी चार्ज हो रही है, एक सफेद रंग की ऊर्जा यूनिवर्स से आ रही है और आपके सारे ही चक्रास को वो चार्ज कर रही है। चार्ज चार्ज चार्ज, यहाँ पर आप क्लॉकवाइज उसको चार्ज भी कर सकते हैं। ऐसे देखिए कि पूरे आपके चक्रास ऊर्जावान हो रहे हैं, सफेद ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहे हैं, सारे चक्रास आपके ऊर्जावान हो रहे हैं, सफेद रंग से सफेद रंग की एनर्जी से ऊर्जावान हो रहे हैं। इस तरीके से आप देखें, और फिर आप एक और चक्रा बना के यूनिवर्स से एक व्हाइट लाइट आ रही है, देखिए आपकी फुल बॉडी एनर्जाइज हो रही है, आपकी पूरा शरीर एनर्जाइज हो रहा है, और फिर हमारी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी।